दोस्तों हम यहाँ भिलाई में एक सेंटर पे आए हैं और बिलासपुर जोन का एग्जाम चल रहा है, तो आइए जानते हैं कि बच्चे कैसे मतलब क्या अटेम्प्ट कर रहे हैं, कितना क्वेश्चन बना रहे हैं। तो बताइए सर, कितना अटेम्प्ट किए क्वेश्चन? मैं 55। 55 क्वेश्चन का लेवल कैसा था? मीडियम था। पढ़ने वाले लोग निकाल लेंगे, जो नहीं पढ़ाई करेंगे वो तो जो आया है तुक्का मारने के लिए कि वो तो गए। अच्छा अच्छा, मतलब कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, किस टाइप का, मतलब जैसे कोई टॉपिक से पूछ रहा है या सभी टॉपिक से पूछ रहा है? नहीं, सभी ओवरऑल सभी जगह से पूछ रहा है इसमें, और अच्छा रहा अगर जो पढ़ने वाले हैं उन लोगों के लिए। कौन से सब्जेक्ट से आपको टॉप क्वेश्चन लगा कि हाँ ये सब्जेक्ट टॉप पूछ रहा है? रीजनिंग सबसे टॉप था इसमें। रीजनिंग, हाँ। कुछ टॉपिक बताइए अगर याद हो तो थोड़ा। जैसे कि ए बी सी का पापा है, सी ए बी का पापा है, हाँ उस टाइप के। अच्छा अच्छा, और कुछ? और ज्यादातर तो याद नहीं है भाई, वहाँ जितना जल्दी हो सके वो करना है। मैथ में कुछ? मैथ में बताइए। करंट अफेयर कहाँ से पूछ रहे हैं? करंट अफेयर्स 2022 का ही पूछा है, रिसेंटली जो भी हुआ। जैसे ये पूछा 2022 में महिला विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट ले। सर अभी एग्जाम देने आए थे, कुछ बताइए सर, थोड़ा साइड में आ जाइए। हाँ सर, कैसा गया एग्जाम? कैसा गया? बढ़िया गया एग्जाम, मस्त रहा। कितने अटेम्प्ट किए? हमें 70-75 के करीब का अटेम्प्ट। क्वेश्चन कैसा था, इजी, मतलब कैसा लगा आपको? इजी था, अच्छा था, मैथ सका था और करंट अफेयर सभी अच्छा था। बहुत बड़े। और कैसा, मतलब कौन से पोस्टों से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है? जैसे अभी पोस्ट मालूम नहीं है सर मेरे को अब। अच्छा अच्छा, और कुछ बताइए, जैसे मतलब क्वेश्चन को मतलब क्या टाइप कैसे पूछ रहा है? टाइप पूछ रहा है सर, वही क्लिक करने के लिए बोलता है, आगे बढ़ता जाता है। एग्जाम हो गया तभी तो आया हूँ। क्या बताओ यार, बताओ कैसा गया एग्जाम? कैसा गया? ठीक गया, नॉर्मल पेपर। कितने अटेम्प्ट किए? अटेम्प्ट तो मैंने 66 किया हूँ उसमें। 66? हाँ, उसमें 60 मेरा सही होगा और 6 पे मैंने तुक्का मारा। कैसा लगा, मतलब पैटर्न कैसा पूछ रहा है? क्या पैटर्न? अच्छा, लेकिन जो फर्स्ट फेस में आ रहा था ना, उस टाइप का पैटर्न नहीं है। मतलब थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया। क्वेश्चन कहाँ से पूछ रही है बताओ, कुछ टॉपिक बताओ। कुछ टॉपिक बता देता हूँ, जैसे आवर्त सारणी है, ठीक है? आवर्त सारणी, राइट। हाँ, तो आवर्त सारणी में जो मेंडलीव का पूछ रहा है ना, तो अंदर तक पूछ है कि कमी थी तो किसमें कमी थी। अब जैसे कि द्रव्यमान वाला है, जैसे दोनों पूछ रहा है। हाँ, द्रव्यमान वाला है ना, कि वो द्रव्यमान को ज्यादा द्रव्यमान वाले को पहले रखा था, फिर कम वाले को बाद में रखा था, मतलब एलिमेंट, वो एलिमेंट का नाम पूछा है उसने। हाँ, डिफिकल्ट कर रहा है यार। और बाकी सीरीज वगैरह अटेंडेंस 70% था, यहाँ के लोग आते ही हैं। लोकल है ना? हाँ, मतलब लोकल है, तो यहाँ के आएंगे ही आएंगे, तो कोई छोड़ता नहीं है। क्वेश्चन का आइडिया दीजिए। हाँ, मैथ्स का बता देता हूँ। मैथ्स का कहाँ से पूछा, ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछा? मेरे को तो मैथ्स में मेंसुरेशन से 3 क्वेश्चन दिखा। एलजेब्रा से तो 2-3 क्वेश्चन है, बाकी वो है सिंप्लीफिकेशन है, उसमें भी रूट वाला है जो। मैडम कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? मैं पूरा 100 की सर। सही में? हाँ। क्या यार, तब तो टॉप करोगे, क्या प्लान है? नहीं, अब देखते हैं आगे सर, वो तो किस्मत की बात है। मतलब तैयारी किए थे कि ऐसे 100 अटेम्प्ट कर ली? नहीं, तैयारी की थी। मैथ्स का जो रहता है 25 क्वेश्चन वही है। करेंट अफेयर में देखो कुछ है जो इजी पूछा है। कैसे, मतलब करेंट अफेयर कहाँ से पूछा? करेंट अफेयर से तो एक मेरे को दिखा था, क्या था यार, त्यौहार से था एक, ठीक है ना, एक, हाँ, एक योजना से था, योजना से जो हरियाणा की एक योजना थी ना, COVID-19 के टाइम पे जो 2021 में चलाई गई थी, वो वाली योजना के बारे में पूछा गया था। और करेंट अफेयर से था यार। मतलब कितना करंट अफेयर पूछ रहे हैं? 10, 5, 8, 7? मुझे तो 7 दिखा। 7 करंट अफेयर दिखा ना? 7 दिखा। और जीके कहाँ से पूछ रहा है यार? जीके बहुत लोगों का सवाल है कि जीके कहाँ से पूछ रहा है। जीके देखो, जीके हिस्ट्री से भी आ रहा है, ठीक है ना, हिस्ट्री से, जैसे कि मिलान वाला आया था कि 1922 में क्या हुआ था, जो चौरा चौरी कांड है उसमें दे दिया था, एक तरफ उसका डेट दे दिया था, उसके बाद उसको मिलान करना था, मिलान करने वाला था, ठीक है। उसके बाद जीके में और हम लोग को कहाँ से पूछा, हिस्ट्री हो गया, और कुछ टॉपिक बताओ ना। रीजनिंग में बताओ ना, रीजनिंग में क्या क्या पूछ दिया? रीजनिंग में तो देखो, सीरीज से जो आएगा वो इजी रहेगा, कोडिंग डीकोडिंग वाला भी इजी रहेगा, ठीक है ना। आपका जो सीटिंग अरेंजमेंट है, टाइम टेकिंग है, सबको मालूम है। अच्छा, छोड़ो सब बात, बताओ आपने गलती कुछ ऐसा लगा कि मुझे ये गलती नहीं करना चाहिए, लास्ट में जब बनाने के बाद पता चलता है कि मुझे इस तरह से नहीं पढ़ना चाहिए, ये गलती नहीं करना चाहिए? देखो, मैं ना फर्स्ट फेज से देख रहा था, ठीक है ना, कैसे कैसे एग्जाम दे रहे लोग, तो मैंने सबसे पहले जो लेंथी क्वेश्चन था उसको छोड़ ही दिया था।
राइट राइट हाँ, एक घंटे में मैंने पूरे 100 क्वेश्चन देख लिए, 30 मिनट बाकी थे, 40 क्वेश्चन करीबन मैं बना लिया था, बाकी के जो 30 मिनट थे उसमें रिव्यू फॉर मार्क करके रखा था, मैंने उसी उसी क्वेश्चन को बस देखा जो बनने लायक था, अच्छा किया फिर बना करता। उसके बाद लास्ट में एक बार मतलब सब देख लिए ना, हाँ पूरा एक बार, इतना तो कॉन्फिडेंस है कि जो बनाए वो मतलब क्लियर बनाएंगे जिस तरह से, क्लियर बना। थैंक यू भाई।